लेकिन आदरणीय रिंकी जी एक छोटा सा कट पीस मैं आपको देना चाहता था। मैंने मान लिया कि माता गंगा को रविदास भगवान की कठौती में आना पड़ा, लेकिन वहीं से एक सवाल उठ रहा है। एक तर्ज बजी थी कि नचना ना साजन का प्यार, फिरोजाबाद से हमारे संजय भैया हैं, सोच रहे होंगे लाल मन दादा पुनरावृत्ति कर रहे, मैं क्या करूं, आपको दूंगा जरूर कुछ ना कुछ, ले जाए आप। फिल्मी दुनिया ने कहा है क्या, नचदाना सा लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। जब ये गीत बजा लाल दुपट्टा मलमल का, तो मैं आपसे एक जिज्ञास के रूप में बात कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। आदरणीय कीर्तनकारा रिंकी तिवारी जी, एक हमारी गंभीर समस्या है, आज तक किसी कलाकार ने उसका निवारण नहीं किया, लेकिन आज मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे कानपुर नगर की सबसे सुरीली लेडी जो है आप, जितनी लड़कियां गा रही हैं उसमें सबसे अच्छा सुरीलापन आप में है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि रविदास भगवान की कठौती में तो गंगा आ गई, लेकिन गंगा से एक और सवाल हो गया क्या, एक दस दिन तक धरती में निवास, माता गंगा 10 दिन तक इस धरती पे रहती हैं, लेकिन एक बात आ रही पप्पू भैया, 10 दिन तक धरती में निवास और 10 दिन तक अंबर में प्रवास और 10 दिन तक पाताल में वास। समझ लेना मेरी पहली बात को, धरती आकाश पाताल, लेकिन एक बात छोड़ रहा हूं आज की रात के लिए कि 10 दिन तक धरती में निवास और 10 दिन तक अंबर में वास और 10 दिन तक पाताल निवास और रहता है क्यों मां गंगा का, अरे रहता है क्यों मां गंगा का,
ये एक से एक पत्रकार हमारे परमात्मनी सम्मानी दादा श्री भैया लाल जी आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, और एक से एक पत्रकारें जिन्हें दूर दूर तक सुना जाता है, जिनके माध्यम से केएस म्यूजिक सिस्टम फिरोजाबाद जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे संजय भाई, आपकी तरफ से एक से एक पत्रकारें प्रदान हुई है और आमंत्रित कर रहा हूं, एक सुंदर सा चक्र लेकर के आ रही हैं सम्मानिया रिंकी जी, आइए स्वागत। हेलो हेलो हेलो, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, सभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है, जवाब बहुत अच्छा सुना है, गीत बहुत अच्छा सुना है, और ढेर सारी बातें तो बहुत अच्छी सुनी, तो बहुत बढ़िया। ये बातें जब तक हो ना तो समझ में नहीं आएगा कि हमारे लालमन भैया है, जब बोल ले तो फूल जड़ रहे थे। हाँ केवल आधा घंटा लेट हो गया लालमन भैया, आप श्रेष्ठ कीर्तनकार हैं, ये बात, और हमारे लिए तो आप पिता तुल्य हैं। सही है, आप ही जैसे लोगों ने बताया है, अपने मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए भैया आदरणीय। अरे प्रशंसा अपनी हम अपने मुख से करें तो वो शोभनी नहीं है, जब दूसरा व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे तब तो ठीक है। अब आप कह रहे हैं रिंकी जी ये कटपीस बेकार है तुम्हारी, अरे उसका कारण है जब सिर पर अधिक बोझ हो जाता है तो वो व्यक्ति ढो नहीं पाता, तो वो कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, ये हाल हो रहा है हमारे बड़े भैया का। आदरणीय लालमन भैया आपके मंच पर जो सहयोगी के रूप में हमारे छोटे भैया बैठे हुए हैं गंभीर जी, और अभी जैसा कि मैंने देखा भी हमारे आचार्य जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। आचार्य जी आप स्वयं में बताइएगा, जब कोई किसी को चरण स्पर्श करता है, वैसे अब तो ये माहौल नहीं रहा, लोग घुटने छू के काम चला देते हैं, जब इतना टाइम नहीं है कि झुका जाए, लोग कह देते हैं भैया कहाँ है, भैया पंडित जी पाए लगी, अब यहाँ तक हो गया, छूना तो दूर है। सही, अब तो लोग हाथ भी नहीं उठाते, खुपड़ी झुका देते हैं बस। तब देखिए वैसे तो विधान अगर देखा जाए तो चरण छूने का नहीं है, पैर के अंगूठे छुए जाते, जो अंगूठा होता है उसका नाखून। आदरणीय चंचल जी आप भी ब्राह्मण घराने से हैं, और सौभाग्य है कि ब्राह्मण घराने से मैं भी हूँ, इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। लोग चरण स्पर्श कहते हैं लेकिन चरण नहीं, पैर का जो नाखून होता है अंगूठे का नाखून, उसको छूते हैं लोग, ये बात। और जिसको ज्ञान नहीं है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो है शूद्र है तो है, ऐसा है नहीं, ये बाबा ने मेन मेरी कटपीस लालमन भैया यही थी कि जिन चरण कमल से गंगा निकल रही है उसमें हम लोग स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, और उन्हीं चरण कमल से शूद्र की उत्पत्ति हो रही है तो उनको धिक्कारते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात संजय भैया, दूर मत जाइए, ध्यान दीजिए, पहुंच जाइए घर, कई प्रकार के आपको कप और गिलास मिलेंगे, ये फलाना है तो उनका, ये ढिमाका है तो उनका, और पंडित जी आज एक नया वाला निकाल के दिनों कम से कम शुद्ध हो जाए। सही है, अरे डिस्पोजल वाले भी अलग अलग कर दिए, छोटा बड़ा कर दिया। आपके मंच पर बहुत ही अच्छे आचार्य हमारे छोटे देवर जी गिरजा गंभीर जी बैठे हैं, इस चीज को आप पूछें, चरण स्पर्श नहीं, और ये वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्योंकि आप हमारे बड़े भैया हैं, आपके संस्कार ही अम्मे हैं, बाकी कुछ नहीं, हम लोग का है कुछ कहें। हाँ, ये दूसरा वाला भैया थोड़ा माइक बढ़ा दो, कोरस वाला, तसल्ली रखो, तसल्ली का, ये तो जान निकली जा रही है। अरे चलिए अच्छा है, आप समझदार हैं, आप स्वयं में ज्ञानी है, मैं तो रात भर से कह रही हूँ हमारे कानपुर की आप शान है, और का? लेकिन शान सामने वाला कहे ना दादा, हम लोग कुछ कहेंगे, हमारा लड़का बहू निका है, बचाए 302 में जा चुका हूँ, लेकिन बहू निका अपनी बच्चिया कौन खराब करता है। सही है, तो आप बड़े हैं, देखो हमारा ढोलक मटर कितना सुंदर है। अरे और रही बात लालमन भैया,
आप में सबसे बड़ी कमी ये है कि आप सुनते नहीं है, केवल आप कहते हैं। कुछ पूछ रहे हैं। देखिए लड़ाई मत करिए संजय भैया, इनके ये फोटो खींचना नहीं। देखो लड़ रहे हैं, लड़ो नहीं। अरे कैमरा ना घुमाओ, देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रविदास जी ने गंगा जी ने रविदास जी को मुद्रा दी, नहीं मैंने ये नहीं कहा था। चैनल अगर आप कहेंगे कि रिंकी तुम झूठ बोल रही हो, तो चैनल चल रहा है, आप इसको देखो जो स्वयं में सुनने वाले हैं। मैंने बताया था कि एक ब्राह्मण जब रविदास जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आप स्नान करने जा रहे हैं, ये लीजिए और स्नान करके जब आप जाइए लौटिएगा तो ये गंगा जी में इस मुद्रा को डाल दीजिए। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन अब क्या कहें, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं साउंड वाले, केवल लालमल भैया हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे हैं। ना ना कितना बढ़िया बोल रहा है, मेरी सेहत कराज यही है कि हम मस्त होके गाते हैं। सही, चलिए अच्छा है, जैसा आप कहें बढ़िया है। नारायण जी मुस्कुराए। बस केवल आप सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको मेरा जवाब भी समझ में नहीं आया, आपको मेरी कटबीज भी समझ में नहीं आई। वो नहीं आएगी जब तक आप सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे तो अपने आप मेहनत करेंगे, आप सुनेंगे, लेकिन आप बाबा की जरूर सुने वो क्या कहते हैं। बेचारे दांत के पिटा के रह जाते, कुछ कर भी नहीं पाते। गाते बढ़िया है, लेकिन गाते बहुत बढ़िया है। नहीं उसमें तो कोई जोड़ नहीं, मैं खुद कहती हूँ गाते बहुत बढ़िया, लेकिन बस छोड़ दो, बस कटपीस बढ़िया है और गीत भी बढ़िया है। प्रयास मैं करती हूँ शायद आपके खंड गीत का कहीं से प्रयास आ जाए, क्योंकि इतने सालों से आप कीर्तन गा रहे हैं, आपको किसी ने जवाब ही नहीं दिया, तो फिर रिंकी तिवारी की क्या औकात है। अरे मैं तो अपने को कुछ समझती नहीं हूँ, लेकिन चलिए प्रयास करती हूँ मैं कि शायद कुछ सीख लूँ आपसे, क्योंकि आज की रात्रि आपसे सीखना ही सीखना है। संगीत वो कोई भी विद्या हो, कोई परिपूर्ण नहीं होता भैया, उसको सीखना है। लता जी को कंठ कोकिला कहा गया उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन आज भी वो कहती मैं सीख रही हूँ। तो हमारा नारायण अब भी सीख रहा है। चलिए तर्ज सुनिए, बहुत अच्छी सी तर्ज आई है। गंभीर जी आप कुछ लेते क्यों नहीं, उनको बताते क्यों नहीं है, चरण स्पर्श करते हैं कि नाखून छूते हैं, नहीं बताना तो इधर बैठो आगे। सही रास्ता इस बगल से है, पंडिताई कर रहे हो, नाक कटवा रहे हो बैठ के। और आप बता रहे हैं आपका प्रसंग गलत है, आपको यही नहीं पता कि गंगा जी ने क्या दिया। अरे हमें मालूम है, एक कथानक पढ़ लिया तो आप उसी को लिए घूम रहे हैं, दूसरा भी पढ़िए। चूड़ा मणि दी थी जो आप बताना चाहते हैं, वो प्रसंग अलग है, जो मैं बता रही हूँ वो प्रसंग अलग है। ये बात आगे बढ़िए, कथानक पढ़िए। कहीं माला मिलती है, कहीं चूड़ा मणि मिलती है, लेकिन मेरा प्रसंग अलग था। लेकिन चलिए अच्छा है, बाबा की सुने तभी मजा आएगी आप। नहीं नहीं बढ़िया, जाओ भैया तुम भी निकल जाओ, जाओ। ये तर्ज आपने बहुत अच्छी गाई है, उसका नतीजा है आप सुनते नहीं है। देखिए गाते बढ़िया है लेकिन, और मैं धन्यवाद दूंगी जो हमारी माताएं बहनें भी आप लोग ऊपर से नीचे इधर तक आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम मेरे चक्कर में आप लोगों का चेहरा तो दिखा, तो सोच रहे थे इतने लोगों में एक हम ही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग भी यहाँ पर विराजमान हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात, तर्ज बहुत अच्छी आई है, आपने गाया है वाह।
से जरूर गाती हूँ मैं। आपने जो बात गाई है, 10 दिन तक धरती में निवास, 10 दिन तक अंबर में, रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए, हम लोग बोल देंगे। अच्छा अच्छा, आदरणीय हमारे पेंटर बाबूजी की ओर से, अच्छा धन्यवाद, केवल तर्ज पर आपकी ओर से 21 रुपए आए हैं भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। तर्ज ऐसे ही गानी चाहिए जी, जी। पेंटर बाबू थाने के पीछे, आपकी ओर से 21 रुपए, धन्यवाद। बस आइए, आपने बहुत अच्छी बात दी है, 10 दिन तक धरती पे निवास, 10 दिन तक अंबर में प्रवास, 10 दिन तक पाताल निवास, रहती है क्यों गंगा माँ, गंगा का। आइए प्रयास करती हूँ, जब बड़े से बड़े कलाकार आपकी इस कट पीस को नहीं समझ पाए तो फिर रिंकी तिवारी क्यों समझेंगे, क्यों गंभीर जी। ये 11 रुपए का आशीर्वाद भैया श्री इंद्रपाल भैया, अच्छा अच्छा, आपकी फरमाइश हम जरूरी पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद है, पिछले साल का बिल्कुल सुना देंगे, ठीक भैया, वही वाला, हाँ, आपकी ओर से 11 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए मैं भी प्रयास करती हूँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये बात हर व्यक्ति नहीं जानता कि 10 दिन यहाँ रहती है गंगा माँ, 10 दिन वहाँ रहती है, यहाँ रहती है। मेरा मानना है गीत ऐसे हो कि सुनने वालों को यहाँ तक रहे, यहाँ ना जाए, सिर से ना निकले, समझ में आए, क्योंकि ये समाज है, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन आई मैं प्रयास करती हूँ, अब देखिए, अब रही बात गंगा की, तो गंगाएं बहुत हैं, एक गंगा माँ नहीं है, गंगा माता बहुत सी हैं। अब देखिए आप किस गंगा मैया की बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आइए मैं प्रयास कर रही हूँ, और कहाँ से कर रही हूँ, आदरणीय गंभीर भैया, आपके भैया की कलम है, पूरी रात्रि ध्यान दीजिए। और ये 101 रुपए, अच्छा अच्छा, इस सही तर्क पे आपने 101 रुपए का आशीर्वाद दिया, हमारे भैया लाल जी की ओर से आए हैं, भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। ये पूरी रात्रि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, बिल्कुल पीछे दुकान लगी हमारे भैया की, ये है रजवाड़ी पॉपकॉर्न, राजेश कश्यप, पता मीरकपुर कन्या पाठशाला के पास, बिंद की फतेहपुर, आपकी ओर से ये 21 रुपए आए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। ये 10 रुपए का भी दे देते हैं। अब आइए, आपने जिस गंगा की बात की है, वो गंगा कौन सी है मुझे नहीं पता, ऐसी होती है, लेकिन मैं एक गंगा मैया ले रही हूँ, और आइए मैं भी प्रयास करती हूँ, क्या
ढोने के लिए। गिरजा भैया सुनिएगा कैसे आदरणीय जी, नहीं हमारे तो छोटे, नहीं हमारे आदरणीय है। Yeah!